दोस्तों, हमारी लाइफ में एक बार नहीं कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जैसे मान लीजिए अपना फ़ोन हम इस तरह से रख देते हैं कहीं पे और किसी भी बिस्तर पे या कहीं भी पड़ा होता है, तो क्या होता है कि फ़ोन हम रख के भूल जाते हैं और उसके बाद हम ढूंढने लगते हैं। जबकि दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आया हूँ गाइस कि आप अगर उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर रखते हैं, इसके बाद इसको कहीं भी फेंक देते हैं और आपको सिंपली से कुछ भी नहीं करना है, बस अपने होठों से सीटी बजाना है इस तरह से। इसके बाद आपका फ़ोन कहीं भी रखा होगा इस तरह से बेल बजेगी। तो गाइस, ये एप्लीकेशन मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही बेस्ट लगा, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब फ़ोन हम रख देते हैं तो यार लगता है कि कहीं कोई लेके तो नहीं चला गया मेरा फ़ोन, या किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया, या किसी ने मेरे साथ मतलब मस्ती तो नहीं कर रहा है मेरा फ़ोन छुपा के। तो उसने अगर मान लीजिए आपको बिस्तर के नीचे भी छुपा दिया इस तरह से, कहीं भी रख देता है मान लीजिए इस तरह से, अगर उसने ऐसे डाल दिया, चद्दर डाल दिया उसके ऊपर, ओके, और आपको नहीं पता है कि आपका फ़ोन कहाँ है, तो इसके लिए अगर आपके पास दूसरा कोई फ़ोन भी नहीं है कॉल करने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तो गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से सीटी मारना है, बस इसके बाद जहाँ भी फ़ोन होगा आपका, बस बेल बजने लगेगी। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट फीचर्स दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक सच में सीखना चाहते हैं तो गाइस, आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है ना, अगर आपके फ़ोन में भी इस तरह से रेड है तो इसको भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में छोटी सी बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली जो इसी तरह की नॉलेजबल वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो को आप देखना ना भूलें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं, इसलिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें, ओके। इसके बाद में कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना है, कमेंट में ये करना है गुड या नाइस, या आप कुछ भी इस तरह से करके कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों, इस तरह से आप कमेंट कर देना है। इसके बाद कुछ नहीं करना, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, सो लेट्स द स्टार्ट वीडियो। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली से आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पे जाने के बाद भी आपको सर्च बार पे सर्च कर देना है फाइंड माई फोन, इतना करके आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, माई फोन ऐप करके सर्च करना, लास्ट में फ़ोन ऐप करके सर्च कर देना है, ओके दोस्तों। तो गाइस, जैसे ही आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है, फाइंड माई फ़ोन है, तो ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे जो मैंने किया हुआ है ये फाइंड माई फ़ोन ऐप, इसमें लिखा हुआ विस्टल, ओके, विस्टल वाला ये करना चाहे तो ये कर सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने सिंपली से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और एप्लीकेशन है, ये जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये भी आपका, ये भी वही वर्क करता है जो नीचे वाला वर्क करता है, ओके। तो एक ये है और एक ये, तो मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है। तो दोनों की जो सिचुएशन है या सेटिंग्स है सारी की सारी की सेम है, ओके। तो इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अब बात आती है सेटिंग की, कैसे सेटअप करना है दोस्तों, जो कि बहुत ही जरूरी। तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिए गाइस, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना, ओके। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद में, सो गाइस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और इस तरह से ओपन का ऑप्शन आ रहा है फिर से, तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फास्ट स्पीड के साथ, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ऐप ऐड आएगा, उसको मैं ऊपर क्रॉस लगा इस पर क्लिक करके इसको स्किप कर देना है। इसके बाद एग्री पर क्लिक कर देना है जस्ट नीचे, इसके बाद नीचे लिखा हुआ नेक्स्ट, इस पर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमें वाइब्रेशन को ऑन रखना है और यहाँ पे फ्लैश को भी अगर ऑन करना चाहते हैं कि आप मतलब जब आप इस पर सीटी मारेंगे अपनी होंठों से तो यहाँ पे फ्लैश लाइट भी जले, तो इसको हम ऑन कर देंगे, ओके। तो इसको हम ऑन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पहले नेक्स्ट कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओके। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमें अपने फ़ोन की जो टोन है वो लगानी पड़ेगी, ओके। तो सबसे पहले हमें इसको स्टार्ट पर क्लिक करना है, ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसको हम स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो अलाउ का ऑप्शन आएगा सिंपली, तो इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे अब आपको कैसे इसको सेटअप करना है, तो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है फ्लैश, तो दोस्तों इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको, अब अगर आपके फ़ोन में कोई कलर टोन है और उसको लगाना चाहते हैं तो आपको 3 डॉट पर ऊपर राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर क्लिक करना है। 3 डॉट दिखाई दे रहा है दोस्तों, 3 लाइन्स, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर देना है गाइस।
तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सेटिंग अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो चलिए मैं क्लिक करके बता देता हूँ, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आगे सेटिंग बताने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को कहीं पे स्किप किया है तो आप इससे सेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आगे की सेटिंग बता देता हूँ। तो आपको सेटिंग पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसके बाद में देन ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको टोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइज, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। तो गाइज इसको मैं चलिए स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से ऐड भी आ सकता है, तो थोड़ा वेट कर लेना है गाइज यहाँ पे। और इसके बाद देन नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे जाना है आपको, जस्ट नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन वैलिडिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट जस्ट नीचे वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देन अलाउ का ऑप्शन आएगा, इसको अलाउ करके जैसे ही अलाउ करेंगे तो ये आपको फ़ोन की गैलरी पे आपको ले जाएगा। अब यहाँ पे आपके फ़ोन में कोई भी कॉलर ट्यून है या आपने कोई भी डाउनलोड कर रखा है कोई गाना, तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना। देन जैसे ही दोस्तों इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके फ़ोन पे सेट हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ से आपको जब भी कभी अपने फ़ोन पे आपका फ़ोन खो जाता है तो आपको क्या करना है, देन जैसे ही आप इस पर सीटी मारेंगे तो गाइस आपका फ़ोन तुरंत अलार्म बजेगा और आप अपने फ़ोन को सिंपली से ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और ये एप्लीकेशन का जो यूज़ है ना कहीं बेनिफिशियल है अपने फ़ोन को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके भी दोस्त इस वीडियो को देखकर इससे नॉलेज ले सकें। दोस्तों मेरा काम था ये वीडियो आपको तक पहुंचाने का, अब आपका काम है कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, तो दोस्तों चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।